हेलो गाइस, आज करने वाले हैं मैग्लो क्रीम के बारे में फुल रिव्यू। मैं इसके बारे में हर एक चीज़ बताऊंगा आपको, कैसे यूज करना चाहिए और किस कंडीशन में आपको यूज करना चाहिए। ये सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, ये दो तरीके की होती है, एक तो रेड एक ब्लू। रेड वाली होती है जो लड़कियों के लिए होती है और जो ब्लू होती है वो लड़कों के लिए होती है। तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे, कैसा रिजल्ट आता है लगाने के बाद और क्या किस चीज़ में आपको इसको यूज करना चाहिए। चलो मैं बताता हूँ आपको। तो गाइज, जो रेड वाली आती है क्रीम उसका भी सेम वही काम है और जो ब्लू वाली आती है उसका भी सेम वही काम है। दोनों का सेम काम है, लेकिन वो गर्ल्स की है और ये बॉयज़ की है। भाई चलो हम क्रीम के बारे में बात कर लेते हैं, किस सिचुएशन में आपको इसको यूज़ करना है। अगर आपको ग्लोइंग चाहिए चेहरे पर तो आपको इसको यूज करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि 15 दिन या फिर हफ्ते भर में आपको ग्लो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसको कम से कम 1.5 से 2 महीने यूज़ करनी होगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा। और अगर नहीं होता तब भी रिजल्ट, तो इस क्रीम को फिर मत लगाना, क्योंकि इसके फिर साइड इफेक्ट आने लगेंगे, आपका चेहरा लाल रेडनेस आने लगेगी चेहरे पर। तो आपको सिर्फ इसको कम यूज़ करना है, ज़्यादा मतलब रेगुलरली यूज़ नहीं करना है, 1-2 महीना यूज़ करके देखना। अगर आपको इसको इसका रिजल्ट मिलता है तो फिर सही बात है, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं मिला तो फिर ज़्यादा लगाना मत, वरना इसके फिर साइड इफेक्ट आ जाएंगे। और हाँ गाइज, आप इसको मतलब धूप में भी लगा के जा सकते हैं। इसमें SPF भी है 15, तो सन प्रोटेक्शन भी है इसमें थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं है। अगर आप पूरा दिन धूप में रहोगे तो फिर तो कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत अगर आप जा रहे हो रास्ते से और फिर इतना है बस कि जाना है और आना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सन प्रोटेक्शन भी है इसमें, आप इसको लगा के जा सकते हैं। और आपको इसको सुबह शाम में भी यूज़ कर सकते हैं, सुबह भी लगा सकते हैं और शाम में भी यूज़ कर सकते हैं, लगा के सो जाओ। और जब भी इसको यूज़ करनी होगा आपको, तो आपको चेहरा धो के अपना अच्छे से वॉश करके उसके बाद लगाना आप इसको, ठीक है। और यही था मेरा रिव्यू, मुझे बताना था सिर्फ आपको इस सिचुएशन में आपको यूज़ करना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट इसके कुछ है नहीं। अगर हाँ रेगुलरली आप ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट आते हैं, वैसे कोई अदर इसका साइड इफ़ेक्ट है नहीं। तो मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके बाय।